हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फ्री फायर की सीरीज़ आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कैसे आप सब, आशा है सब अच्छे होंगे। तो पिछले बार हमने लोन वुल्फ और क्लैश कॉड खेला था, तो इस बार भी हम लोन वुल्फ ही खेलने वाले हैं। तो पहले हम उस मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने मोड सेलेक्ट कर लिया, अभी से स्टार्ट करता हूँ। मैंने बिहाइंड द सीन थोड़ा सा खेला था, इसलिए मेरे पास बहुत पैसा हो गया था, इसलिए मैंने आलोक को परचेस कर लिया था, इसलिए हम उसी कैरेक्टर में खेलने वाले हैं। मैं अकेला ही हूँ, इसलिए सामने का प्लेयर भी अकेला ही होगा। उसने डेजर्ट ईगल को सिलेक्ट किया है, अब उससे ही डेजर्ट ईगल से मारता हूँ। पहले हम प्लेयर, उसने सीधा मेरे को हेडशॉट दिया, इसलिए मैं एक ही इसमें मर गया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और 100 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। मुझे लगता है वो थोड़ा सा प्रो है, पर आपका भाई भी कुछ कम नहीं है, इसलिए मैं भी उसे मार सकता हूँ। एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज की गन मैंने ले ली है, अब इसे उसको हरा देंगे और एक पॉइंट हमारे नाम करेंगे। अगर इसने ये वॉल तोड़ी तो ये सीधा मर जाएगा, इसलिए उससे पहले थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा लेते हैं। मुझे लगता है बाजू से मारा इसने, मैं सही था, ये वहां से निकल गया था। अब मैं अपोजिट साइड में जाऊंगा, मैंने उसको सीधा हेडशॉट दे दिया। मैंने बोला था कि आपका भाई भी कुछ कम नहीं, इसलिए मैंने उसको मार दिया। उसको पता चल गया था कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए उसने मुझे हेडशॉट दे दिया। कुछ भी हो पर मैं बुया करके रहूँगा अगर हो सके तो। पहले हेल्थ बढ़ा लेते हैं ताकि मैं उसे आसानी से मार दूं।
मैंने उसे मार दिया और हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं। ये 7th राउंड ही हम उसे मार सकते हैं। मैंने क्रूजा और MP40 ले लिए। मुझे वॉल लगानी चाहिए थी। हम फिर से ट्राई करेंगे और इसे मार कर ही रहेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मोड पसंद है, क्लैश कोड, BR रैंक, CR रैंक, क्लैश कोड और लोन वुल्फ में से कौन सा पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम फिर से लोन वुल्फ ही खेलेंगे और इस बार बुया करके रहेंगे ताकि हमारी लेवल अप हो जाए। इस बार भी सेम आया है, सिर्फ थोड़े से गन्स चेंज हो गए हैं। पहला राउंड हम जीते गए। इस बात पर एक लाइक जरूर से कर देना। मैंने उसके सीधा हेड शॉट ही दे दिया। मुझे थोड़ा सा हेड शॉट देने का सीखना पड़ेगा। मैं इसके बाद ट्रेनिंग में जाके हेड शॉट ट्राई करूँगा ताकि मैं भी थोड़ा सा प्रो बन जाऊँ। उसने AWM और उजी ले लिए। मुझे लगता है इस बंदे का नेट अच्छे से नहीं चल रहा, इसलिए वो एक एक ही जगह पर खड़ा हो गया था। पर हमें तो जीतने से मतलब है, इसलिए हम उसे भी मार सकते हैं। मुझे लगता है ये पीछे से, हाँ मैं सही था, ये पीछे से आ गया था इसलिए मैं मर गया। मैंने थॉमसन और ग्रोजा ले लिए। ग्रोजा इसलिए लिए क्योंकि इसमें स्कोप भी होता है तो फिर ये लॉन्ग रेंज में भी अच्छे से काम करती है। उसकी थोड़ी ही हेल्थ बची थी, जैसे कि आप देख सकते हो उसको 5 HP ही बची थी। अगर एक गोली मारता तो वो मर सकता था। मैंने उसके हेड शॉट भी दिया पर उसकी ज़्यादा हेल्थ नहीं गई थी। इस बार तो हम ही जीतने वाले थे इसलिए
अब वो प्लेयर गन सिलेक्ट करने वाला है। अगर हम एक मैच जीत जाते हैं तो बोया भी हो जाएगी। उसने UMP और शॉटगन और डेजर्ट लिए। हम इसे इसी गन से उसको मारने वाले हैं। इस बार हम हार गए पर अगला राउंड हम ही जीतेंगे। मेरे दोस्त ने मेरे को इनवाइट किया है तो हम उसके साथ भी खेलेंगे। अब हमारा ये फाइनल राउंड है। हमें जीतना ही पड़ेगा नहीं तो हमारा बुआ नहीं होगा। गाइस बुआ हो गए है। इस बात पे एक सब्सक्राइब बटन को दबा देना और लाइक को भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।